Good morning, students. Today we will start exercise 10.2 of chapter 10, mensuration. So, आज के इस वीडियो में हम exercise 10.2 डिस्कस करेंगे. हमारी exercise 10.2 का first question क्या है? First question है, find the areas of the following figures by counting square. Question first में हमें figures given है. जब आप book में देखेंगे, page number 216 पर हम exercise 10.2 डिस्कस कर रहे हैं. उसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो आपको फिगर्स गिवन है, ए से लेके एन तक के फिगर्स गिवन है. हमें क्या करना है, हमें उन फिगर्स का एरिया फाइंड करना है. और हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बाय काउंटिंग स्क्वेयर्स. उनके अंदर जो स्क्वेयर्स गिवन है उनको हम काउंट करेंगे और उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे करेंगे, देखो ए फिगर हमें गिवन है, ए को अगर हम ढंग से देखें तो इसके अंदर हमें स्क्वेयर्स दिख रहे हैं. इन स्क्वेयर्स को हमें काउंट करना है. कितने स्क्वेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने स्क्वेयर्स हैं, 9 स्क्वेयर्स हैं. और 9 के 9 जो स्क्वेयर्स हैं वो पूरे फुल स्क्वेयर्स हैं. तो इसका एरिया कितना हो गया फर्स्ट वाले का, 9. फर्स्ट वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 9 स्क्वेयर यूनिट. उसी तरह से बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए हम एरिया फाइंड करेंगे. बी का फिगर हम देखें तो इसमें कितने स्क्वेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो कितने हैं इसमें, 5 स्क्वायर्स हैं. और 5 के साथ 5 जो है वो पूरे फुल स्क्वायर्स हैं. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5. इसका एरिया हो गया 5 स्क्वायर यूनिट. उसी तरह से सी का अगर हम देखें तो सी में जो हमें फिगर गिवन है, देखो इस वाले फिगर में सारे के सारे स्क्वायर फुल स्क्वायर नहीं है. फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 और 2. जो पूरे के पूरे स्क्वायर्स हैं जो हमें पूरे पूरे दिख रहे हैं वो है सिर्फ 2 स्क्वायर्स. और बाकी के जो स्क्वायर्स हैं वो हाफ है. हाफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4. कितने हैं, 4 जो स्क्वायर्स हैं वो हाफ है. तो 4 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 4 का अगर हम हाफ निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2. 4 का हाफ कितना होता है, 2. और जो 2 है वो पूरे के पूरे पूरे स्क्वायर्स है. तो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, 4. इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स. डी फिगर की अगर हम बात करें तो इसके स्क्वायर्स गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसमें 8 स्क्वायर्स हैं और वो स्क्वायर पूरे के पूरे स्क्वायर्स हैं, पूरे फुल स्क्वायर्स हैं. तो इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 8. इसका एरिया हमारे पास आ गया 8 स्क्वायर यूनिट. उसी तरह से अगर हम ई फिगर की बात करें तो ई फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो 10 स्क्वायर्स है इसके अंदर और पूरे के पूरे जो 10 स्क्वायर्स हैं वो फुल स्क्वायर्स हैं. इसमें से कोई भी हाफ स्क्वायर नहीं है. तो इसका एरिया कितना हो गया हमारे पास, 10 स्क्वायर यूनिट्स. उसके बाद अगर हम एफ फिगर को देखें तो देखो एफ फिगर को ढंग से देखेंगे तो इस बार इसमें हमारे पास फुल स्क्वायर कितने हैं, सिर्फ 2 ही है. फुल स्क्वायर हमारे पास 2 है, ठीक है. और हाफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4. कितने हाफ, 4 है. देखो हाफ एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा. तो कितने हाफ, 1, 2, 3, 4. तो 4 जो है वो हमारे पास हाफ है. तो हाफ, 4 का हाफ कितना होता है, 2. तो 2 तो हमारे पास हाफ है और 2 हमारे पास पूरे हैं. तो इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 4. इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स. जी की बात करते हैं तो जी में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फुल स्क्वायर कितने हैं, 1, 2, 3, 4. जो हमारे पास फुल स्क्वायर है वो कितने हैं, 4 है. हाफ कितने हैं, हाफ तो 1, 2, 3, 4. 4 जो है वो हाफ है. तो 4 का हाफ कितना होता है, 2. तो यहाँ इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, 6. इस वाले का एरिया कितना आ गया, इस वाले फिगर का एरिया हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर यूनिट. एच की बात करते हैं तो एच में कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. और पूरे जो पांचों के पांचों स्क्वायर्स हैं वो हमारे क्या है, फुल स्क्वायर्स है. तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 5. आई फिगर की बात करते हैं तो आई में हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 9. तो आई वाले फिगर का हमारे पास एरिया कितना आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स. उसी तरह से अगर हम जे फिगर की बात करें तो जे फिगर में हमारे पास देखो कितने स्क्वायर्स हैं, हमारे पास 2 स्क्वायर्स तो फुल स्क्वायर्स है. तो 2 स्क्वायर्स हमारे पास फुल स्क्वायर्स है. हाफ कितने, 1, 2, 3, 4. वापस से जो हाफ स्क्वायर है वो 4 है और 4 का हाफ कितना होता है, 2. तो यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 + 2, 4. तो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, 4 स्क्वायर यूनिट. के फिगर की बात करते हैं, के में अगर देखें तो फुल स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 हमारे पास फुल स्क्वायर है. और हाफ कितने हैं, 1 और 2. 1 और 2 जो है हमारे पास हाफ स्क्वायर है. तो 2 का हाफ कितना होता है, 1. तो 4 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5. तो इसका एरिया कितना हो गया हमारे पास, 5 स्क्वायर यूनिट. उसके बाद अगर हम एल की बात करें
तो एल में देखो हमारे पास फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4 हमारे पास फुल स्क्वायर है, और हाफ कितने हैं, हाफ देखेंगे 1 2 3, तो हमारे पास 3 जो है वो हाफ है, तो 3 और 1 जो है वो पूरा है, तो 4 + 3 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हम बात करते हैं एम की, तो एम में अगर हम देखें तो हमारे पास फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे पास फुल स्क्वायर्स हैं, और नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, कितने स्क्वायर्स हैं ऐसे 8 हैं, तो 8 + 6 कितना होता है 14 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 14। उसके बाद एन वाला है, एन में अगर हम देखें तो हमारे पास फुल स्क्वायर्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमारे पास 9 फुल है, और नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, ये भी 9 है, तो 9 + 9 कितना होता है 18, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2 जिसमें हमें फिगर्स का एरिया फाइंड करना था बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। तो जो पूरे स्क्वायर्स थे हमने उसका एक यूनिट एरिया माना, और जो हाफ थे हमने उस पर्टिकुलर हाफ पोर्शन का हाफ करके एरिया कैलकुलेट करके निकाला। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एरिया इसमें कैलकुलेट करना है जब आपको फिगर्स गिवन होंगे और आपसे पूछ लिया जाए कि आपको एरिया फाइंड करना है बाय काउंटिंग स्क्वायर्स, तो आप उनके स्क्वायर्स को काउंट करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2 जो कि यहाँ पर खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे।